जिस बच्चे ने उस ताबूत पर रखे पत्थर को छुआ है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए सदियों बाद अब मैं जाग गया हूँ। मुझे वो बच्चा चाहिए ताकि उसकी शक्तियां लेकर मैं अपना असली रूप हासिल कर सकूं। कहीं विवान और अनन्या का शक सही तो नहीं? शुंडाकारी स्तंभ में जो हुआ वो किसी खतरे की घंटी तो नहीं थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। लगता है मुझे खुद जाकर वहां जांच करनी होगी। वैसे भी उस दुर्लभ कुंजी को ढूंढना अभी बाकी है, मुझे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमारे नए मेहमान के साथ ऐसा सलूक। तुम सब आपस में मिले हुए? तुम्हें क्या लगा विभा कि तुम्हारा इजिप्ट का टूर हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगा? माफ करना पर क्या है ना कि तुम्हारे पीछे पीछे तिमनासा भी मिस्र पहुंच गए और वहां उसे मिल गया उसका नया दोस्त। हाकून इब्तिना रंग, तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे अंदर भी अच्छाई को नेस्तो नाबूद करने की तड़प है। बिल्कुल सही समझा तुमने, और जिस अच्छाई की ताकत ने तुम्हें जगाया है उस तक पहुंचाने का रास्ता मैं तुम्हें बता दूंगी। काल लोक की रानी तिमनासा ने मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए खुफिया रास्ता तैयार किया। अब समय है सम्राट हिमाया अपना वादा पूरा करने का। जरूर भैमार, जरूर। मिस्र के पिरामिड में ताबूत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यकूत वल हंद जूद महारमी बनी हरूद समित्रा मबूद यद कफा नमी रूद वयम दहा मैसुर जदीद सली वजूद समित रा मबूद यद कफा नमी रूद वयम दहा मैसुर जदीद सली वजूद। Ha 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 ha
अब मैं इस बच्चे की बची हुई ऊर्जा खींच लूंगा जिससे मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। इस यंत्र की रोशनी टिमटिमा रही है, इसका मतलब वो दुर्लभ कुंजी यही कहीं आसपास है। शौर्य ने कहा था कि दूसरी दुर्लभ कुंजी में बहुत ठंडक है और इस यंत्र ने उस ठंडक को महसूस कर लिया है। अब मुझे अपनी मौत की फौज को जिंदा करने के लिए अपने काले शक्तियों वाले ताज की जरूरत पड़ेगी, जिसे जमजमा ने निगल लिया था, पर फिर भी उसे तबाह नहीं कर पाया। एमाया को इसका काला ताज किसी भी हाल में नहीं मिलना थी। मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा। अरे मेरा मैजिक क्यों नहीं काम कर रहा है? मैं गायब क्यों नहीं हो पा रहा हूं? मुझे देवू भैया से बात करनी पड़ेगी। कहीं इसने मेरी शक्तियां तो ऑब्जर्व नहीं कर ली? अब तो बस ऐसे ही आंख बंद करके पड़े रहना होगा मुझे और यहां से भागने का चांस का वेट करना होगा। ले बसर फरी कमा रूजा जमजमा। इससे पहले तिमनासा को थोड़ी सी भी भनक हो, मुझे जल्द से जल्द उस अगली दुर्लभ कुंजी को ढूंढना ही होगा। अभी तक इस यंत्र का रंग नीला नहीं हुआ, इसका मतलब वो दुर्लभ कुंजी अभी भी मुझसे दूर है। तुम सिर्फ कुंजी से ही नहीं विवान से भी बहुत दूर हो चुके हो, क्योंकि इमाया तुम्हारे भाई विवान को बहुत जल्द दफन करने वाला है। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस वो चाबी चाहिए। बालवीर तुम कहाँ हो? बालवीर क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अनन्या ध्वनि परी सब ठीक तो है ना? आप दोनों की आवाज में इतनी घबराहट क्यों है? हमने विवान का रूम चेक कर लिया है लेकिन वो अपने रूम में नहीं है, और हमें वीरलोक से पता चला है कि कोई काली ऊर्जा विवान की जादुई शक्ति को अपनी तरफ खींच रही है। अब चिंता मत कीजिए, मैं भी वहां पर आ रहा हूं। तुम जाओ विवान को और उसकी शक्तियों को ढूंढो, मैं दुर्लभ कुंजी को ढूंढ लूंगी और उसे फिर से नकली चाबी से बदल दूंगी। जमजमा, हजारों साल पहले तुमने मुझे शिकस्त देने की कोशिश की थी और मेरा काली शक्तियों वाला ताज भी तोड़ना चाहा था, और आज मैं तुम्हें
मौत के कुएं से वापस लाया हूँ। अरिफ नायक तबिन महा। अब तुम मेरे गुलाम हो, मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा। और लाओ वापिस तो मेरा ताज, मेरी काली शक्तियों वाला ताज। आई होप दिबू भैया उस सेकंड की को जल्दी ढूंढ ले, वरना ये किंग माया सबको प्रॉब्लम में डाल देगा। मेरा ताज। जमा, आज से मैं तुम्हें अपनी फौज का सिपहसालार बनाता हूँ। खवान जिद्दान मिलेगा, मिलेगा जमजमा, खाना भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस बच्चे को ताबूत में डालकर दफन करो। विवान, यही है मौका, मार दे चौका। अब इस पिरामिड के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। अना खावन अना बैरना। जमजमा, पहले जाकर उस बच्चे को पकड़ो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूंगा। जाओ। हमने विवान को कांटेक्ट किया पर उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हमने विवान को घर में ढूंढ लिया है लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। मुझे लगता है हमें विवान को उसके दोस्तों के घर पर भी ढूंढना चाहिए। ऐसे तो करना आंटी विवान के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डूबा डूबा को बुलाती हूँ। क्या हुआ बालपुरी, आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया? इसलिए अब तुम्हें विवान बनकर यहाँ रहना होगा जब तक हम लोग विवान को नहीं ढूंढ लेते, ठीक है? ये लो। ये क्या है बालपुरी? आपातकाल स्थिति में तुम इस यंत्र की मदद से वीर लोग में आ जा सकोगे, ठीक है? लेकिन बालपुरी, मुझे विवान बनके उसके इस घर में रहना पड़ेगा, इससे ज्यादा बड़ी आपातकाल स्थिति मेरे लिए और क्या हो सकती है? मेरा दिल तो अभी से धपड़ धपड़ कर रहा है, धपड़ 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 धपड़। अब क्या मैं इस यंत्र का अभी इस्तेमाल करूं? नहीं डुबा डुबा, तुम्हें इसका इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल की स्थिति में करना है। ठीक है बालवीर, मैं ध्यान रखूंगा। चले शामदीद। जाओ और अपने नए सिपे सैलार जमजमा के लिए भोजन का इंतजाम करो। जाओ। भूख मचाएं शाह। बस एक बार जमजमा मेरा ताज उस बच्चे से वापस ले आए तो मैं इस
दुनिया पर राज करूंगा। पीछे मम्मी आगे खाई, व्हाट टू डू? अगर आगे गया तो हड्डी टूटेगी और पीछे गया तो सर कटेगा, क्या करूं? बैंडेज लगने से बचने के लिए अब ये बैंडेज ही काम आएगा। यस। बाय बाय एंग्री ओल्ड मम्मी। ये तो वही ट्रांसलेटर जिससे हम इमाया की स्टोरी जान सकते हैं। ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली तीन वस्तुएं इसी पिरामिड के हजार कमरों में से किसी तीन कमरों में रखी हुई है। स्टोरी के हिसाब से अगर तेल, आग और मशाल ढूंढ लिया जाए तो मैं ये ताज डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और अगर ये ताज डिस्ट्रॉय हो गया तो ईमाया भी अपने आप खत्म। तुम लोग तो बहुत ही डिसेंट फेलोज निकले, एक बार रिक्वेस्ट करने पे ही मान गए। हुक्म इब्तिमाया, हुक्मरन हुक्मरन, हुक्म इब्तिमाया, हुक्मरन हुक्मरन। लगता है इन्होंने हमारी भाषा का रूपांतर ठीक से नहीं समझा। तो फिर इनको उसी भाषा में समझाते हैं जो भाषा हर बुराई के सेवक को समझ में आती है। हुक्मरन हुक्मरन। ये पूरा शवे मिस्र के शुंडाकारी स्तंभों से बाहर कैसे आ गए?
की लड़ाई का तरीका तो काफी प्राचीन है। परियो, हमें इन लोगों पर अलग अलग दिशाओं से हमला करना होगा। परियों का बैकअप प्लान थे तुम और मम्मीज का बैकअप प्लान हम हैं। इसका मतलब रे और भयमार नहीं इन पूरा शवों को जागरूक किया है। कहीं तिमनासा को उस दूसरी दुर्लभ पुंजे के बारे में पता तो नहीं चल गया। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।